Welcome to DigiFortech. Please subscribe and press the bell icon. आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5000 से लेके 20000 तक के मोबाइल जो इस सेल में मिलेंगे आपको Flipkart और Amazon दोनों ही वेबसाइट्स पे। चलिए शुरू। अगर आपका 5000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Infinix का Smart 2। इस फोन में आपको 2GB रैम 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ 13 मेगापिक्सल रियर फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल 5.45 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले 3050 mAh की बैटरी और फेस अनलॉक ट्रिपल स्लॉट मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा 12 एक्टिव 4G सपोर्ट मिलेगा प्लस डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। 10% SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपका 6000 रुपए का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेडमी का 6A। इस फोन में आपको 2GB की रैम 16GB की स्टोरेज के साथ ट्रिपल डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। इसमें रहेगा 2 एक्टिव 4G वोल्टी सपोर्ट, तीसरा रहेगा मेमोरी कार्ड के लिए, 3000 mAh की बैटरी और आपको इसमें हीलियो का A22 प्रोसेसर भी मिलेगा। इसमें आपको 10% का HDFC बैंक का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपका 6000 का बजट है तो मैं आपको दूसरा फोन सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है Infinix का ही Smart 2। इसमें आपको 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज मिलेगी और आपको इसमें 3000 mAh की बैटरी, डबल 4G वोल्टी सपोर्ट, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट, 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपका 8000 रुपए का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेडमी 6। इसमें आपको मिलेगा 3GB की रैम 32GB स्टोरेज के साथ। इसमें भी आपको ट्रिपल डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, 2 एक्टिव 4G वोल्टी सपोर्ट मिलेगा हीलियो के P22 प्रोसेसर सपोर्ट के साथ में। दूसरा, आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसमें और इसमें 10% का SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी है। अगर आप किसी ओल्ड फोन को एक्सचेंज करते हैं तो 500 की बम्प अप डिस्काउंट भी इस फोन के साथ आपको मिलेगी। अगर आपका 8000 का ही बजट है तो मैं आपको एक दूसरा फोन भी सजेस्ट करूंगा जो कि है Infinix का Note 5। ये फोन मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस फोन की हाइलाइटिंग फैक्टर ये है कि ये एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको 2 एंड्रॉइड अपडेट तो मिलेंगे ही। इसके अलावा इस फोन में 12 एक्टिव 4G सपोर्ट भी है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ और इसमें एक बड़ी बैटरी भी है 4500 mAh की। अगर आपका 9000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आसूस का Zenfone Max Pro M1, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, क्वालकॉम का 636 वाला SoC मिलेगा। ये SoC में आप 12 4G वोल्टी एक्टिव सपोर्ट चला सकते हैं, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है, फेस पासवर्ड भी है। इसकी डिस्प्ले साइज है 5.99 इंचेस की। ये फोन भी आप देख सकते हैं। अगर आपका 10000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नोकिया का 5.1 प्लस। इसमें आपको मिलेगा 3GB की रैम 32GB स्टोरेज के साथ। इसमें ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा 13+5 मेगापिक्सल का, 3060 mAh की बैटरी मिलेगी और एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा हीलियो का P60। इस फोन में आपको 12 4G वोल्टी सपोर्ट भी मिलेगा और नोकिया की ब्रांडिंग तो है ही। अगर आपका 11000 रुपए का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Realme का U1। इसमें आपको मिलेगा 3GB की रैम 32GB स्टोरेज के साथ। इसमें हीलियो का P70 प्रोसेसर मिलेगा 3500 mAh बैटरी के साथ। इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा रियर पे, 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इस फोन में भी आप 12 4G एक्टिव वोल्टी चला सकते हैं। अगर आपका 11000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Redmi Note 5 Pro, 4GB रैम के साथ, 64GB स्टोरेज के साथ। इसमें आपको मिलेगा बैक पे 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूल सेटअप, सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी। प्रोसेसर मिलेगा 636 का 12 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ। आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। अगर आपका 13000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Realme 2 Pro। इस फोन में आपको मिलेगा 4GB की रैम 64GB स्टोरेज के साथ, क्वालकॉम का 660 SoC मिलेगा ट्रिपल डेडिकेटेड स्लॉट के साथ, ड्यूल एक्टिव 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ। इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी भी मिलेगी। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 13000 का बजट है तो अब मैं आपको दूसरा फोन सजेस्ट करूंगा ओप्पो का F9।
इसमें आपको मिलेगा 4 GB का रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, 3500 mAh की बैटरी, हीलियो का P60 प्रोसेसर, ट्रिपल डेडिकेटेड स्लॉट, डुअल एक्टिव 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ, प्लस मेमोरी कार्ड। इस फोन को भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपका 13,500 रुपए का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रियलमी का U1। इस फोन में आपको मिलेगा 4 GB का रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको प्रोसेसर मिलेगा हीलियो का P70, 3500 mAh बैटरी के साथ, 25 MP की सेल्फी कैमरा भी रहेगा और ट्रिपल स्लॉट रहेगा 4G+4G यानी कि डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 14,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑनर का प्ले। इस फोन में आपको मिलेगा 4 GB का रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इसमें किरिन का 970 प्रोसेसर मिलेगा, 3750 mAh बैटरी के साथ। इसमें आपको GPU टर्बो सपोर्ट भी मिलेगा और अगर आप गेम खेलते हैं तो ये फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इस फोन में आपको 12 4G वोल्टी सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपका 14,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दूसरा फोन ऑनर का 10 Lite। इस फोन में आपको मिलेगा 4 GB का रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इसमें आपको किरिन का 710 SoC मिलेगा, डुअल कैमरा मिलेगा, रियर पे 13+2 का, सेल्फी के लिए 24 MP का कैमरा मिलेगा, 3400 mAh की बैटरी के साथ। ये प्रोसेसर में 4G वोल्टी सपोर्ट भी है। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 14,000 का बजट है तो मैं आपको तीसरा फोन सजेस्ट करूंगा जो है वीवो V9 Pro, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इसमें आपको क्वालकॉम का 660 SoC मिलेगा, 3260 mAh बैटरी के साथ, 12 4G वोल्टी सपोर्ट भी मिलेगा इस फोन में। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 15,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आसूस का जेन फोन मैक्स प्रो M2। इस फोन में आपको मिलेगा 4 GB का रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इसमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ, प्योर एंड्रॉइड मिलेगा आपको 8.1 ओरियो और इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है और 4G वोल्टी सपोर्ट भी है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अगर आपका 15,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रियलमी 2 प्रो, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 660 SoC, फेस पासवर्ड, डुअल एक्टिव 4G वोल्टी सपोर्ट, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड सपोर्ट, ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 15,000 का बजट है तो मैं आपको तीसरा फोन सजेस्ट करूंगा ऑनर का 8X। इस फोन में आपको मिलेगा 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। इसमें किरिन का 710 SoC मिलेगा, 3750 mAh बैटरी के साथ, 6.5 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, सेल्फी के में आपको मिलेगा 16 MP, रियर पे मिलेगा 20+2 MP का कैमरा, 12 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ। आप चाहें तो इस फोन को भी ले सकते हैं। अगर आपका 16,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हुआवे Y9 2019। इसमें आपको मिलेगा 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, किरिन का 710 SoC, 4000 mAh की बड़ी बैटरी, रियर पे 13+2 MP, फ्रंट में भी 16+2 MP का कैमरा, 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ। आप चाहें तो इस फोन को भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट है 16,000 का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीवो V9 Pro। इसमें आपको मिलेगा 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, स्नैपड्रैगन 660 SoC, 3260 mAh की बैटरी, 4G वोल्टी सपोर्ट। आप चाहें तो इस फोन को भी ले सकते हैं। अगर आपका 17,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रियलमी 2 प्रो। इस फोन में आपको मिलेगा 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। इसमें 3500 mAh की बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC, ड्यू ड्रॉप नॉच, ट्रिपल स्लॉट, डुअल एक्टिव 4G वोल्टी प्लस डेडिकेट मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ। आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। अगर आपका 17,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑनर 8X। इस फोन में आपको मिलेगा 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, किरिन 710 SoC, 3750 mAh की बैटरी, 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ। आप चाहें तो इस फोन को भी ले सकते हैं। अगर आपका 18,000 का बजट है तो मैं आपको दूसरा फोन सजेस्ट करूंगा ऑनर प्ले।
6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ इस फोन में आपको मिलेगा 3750 mAh की बैटरी, किरिन 970 SoC, GPU टर्बो सपोर्ट के साथ डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट भी रहेगा इस फोन में। ये फोन गेमर्स के लिए ज्यादा अच्छा है, इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है। अगर आपका 20,000 का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पोको F1 बाई Xiaomi। इसमें आपको मिलेगा 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 SoC मिलेगा, 4000 mAh की बड़ी बैटरी, रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, 12+5 MP का सेल्फी के लिए 20 MP का कैमरा मिलेगा। आप चाहें तो इस फोन को भी ले सकते हैं, ये फोन गेमिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।